हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी की खीर की रेसिपी, जो आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं और ऐसे भी बनाकर खाइए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो चलिए बनाते हैं। खीर बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ लौकी, आधा लीटर दूध, आधी चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट, चीनी और 2 चम्मच घी। सबसे पहले हम पैन में घी डालेंगे 2 चम्मच। घी को गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है तो कद्दूकस किया हुआ लौकी डाल देंगे और 5 मिनट लो फ्लेम पर भून लेंगे। लौकी भून चुका है तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक दूध गाढ़ी ना हो जाए। देखिए खीर पक चुकी है तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट इसे और पका लेंगे। ये देखिए खीर बन चुकी है तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा।